फ्रेंड्स, ये जो पिटबुल और अमेरिकन बुली वगैरह जिस वीडियो पर 1 M से भी बाहर व्यूज आ गए हैं, आज उस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। जो कमेंट्स है उसके ऊपर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा ओरियो यानी कि जो अमेरिकन बुली है, जो पिटबुल नाम से अमेरिकन नाम से चल रहा है, जिसने मेरे पर अटैक किया। अब तो मैं काफी रिकवर हो गया हूँ, पहले मेरे गाँव देख लीजिए आप, सारी तरह से मैं कवर कर चुका हूँ अपने आप को और अभी 1 महीना हुआ नहीं है इस बात को। और अब मैं उसकी स्टार्टिंग से लेके अभी तक की जर्नी भी बताऊंगा, कैसे हमने उसे अभी तक रखा, साल डेढ़ साल जो मैंने रखा था उसको कैसे कैसे रखा, क्या हुआ इस जर्नी में। आप लोग पीछे मतलब बाद में ऐड हुए न्यू सब्सक्राइबर, उन सबको भी इसकी पूरी जर्नी बताता हूँ, होता क्या है, कौन सा डॉग रखना चाहिए, कौन सी ब्रीड नहीं रखनी चाहिए, ये भी इसके अंदर थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा और काफी कमेंट्स के भी जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, 1000-1500 कमेंट्स से भी बाहर चले गए हैं। कमेंट्स के सीन ऐसा है, मैं जब ओरियो की पूरी जर्नी स्टार्ट से अभी तक मैं आप लोगों को बताऊंगा तो कुछ सवाल तो उसी के अंदर सॉल्व हो जाएंगे और कुछ चीजें मैं आपको मुंह जुबानी बता देता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ओरियो को फर्स्ट टाइम जब हम उसके घर से लेके आए थे तब वो करीबन 6 महीने का था और अभी जब वो गया है तो वो करीब करीब 2.5 साल का होके गया है। पहली बार जब ये हमारे पास आया था, ये डॉग ट्रेनिंग स्कूल एंड हॉस्टल की सर्विस के हिसाब से था। ओनर को किसी ने हमारे बारे में बताया तो उन्होंने हमें कॉल किया और अपने घर पर बुलाया। उसका वीडियो भी यूट्यूब पर पड़ा होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। पहली बार जब मैं उनके पास गया तो 6 मंथ्स का डॉग था। उस समय उसको फैमिली मेंबर से सब सब खुला हुआ था, सब कुछ अच्छा था, बस एक ही प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड था। ओवर एक्साइटेड में वो क्या करता था, वो जंप मारता था, बहुत ज्यादा जंप मारता था, चेस्ट पर आ जाता था। जैसे जैसे उसकी बॉडी बढ़ रही थी उस हिसाब से उसके नाखून वगैरह बहुत ज्यादा तीखे हो जा रहे थे, तो ओनर्स को तकलीफ हो रही थी किसी और से मिलाने पर। और इतना बड़ा दिखता था कि डर तो लगता ही है ना, और पिटबुल अमेरिकन बुली जैसे हैवी ब्रीड से नॉर्मल डॉग्स से भी डर जाते हैं अपने विजिटर जो घर पर आते हैं, तो उससे तो डरना ही था। और उसकी हैबिट बहुत बेकार थी, जैसे अपनी नॉर्मल डॉग्स की होते हैं ना, लैब की, जर्मन की, पग की, कोई भी सा भी डॉग हो, उन सब की आदत होती है स्टार्टिंग में ऊपर चढ़ चढ़ के मिलना, ओवर एक्साइटमेंट दिखाना, वो उस टाइप का डॉग था। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं बुली को लेने नैनो मैक्स में। मतलब कल तो मुझे भी बहुत देर बंद रखा ना इसको, तो करीब 2 घंटे बंद रखा, कोई आया था तो खुलने के बाद इसने मुझ पे भी अटैक किया। मतलब और ये जो चीज है, इससे मैं कि मुझे बंदी पूछ दिया है, ये इसके पंजे लगे ना आपको, पंजे इनके वो कर दो तो आप इधर आप साइड ना इधर आप और हां इधर आप अरे लुक टक बस इतना मत 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 ना ना बाप ये सिखाना आपको ठीक है ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा इसके साथ। ये थोड़ा अच्छे से इधर कमांड है, बहुत प्यारा है ये, बहुत ट्रेंड बन जाएगा तो बहुत प्यारा है। एक ऐसा और था जो मेरे को छोड़ता ही नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप देखो चलो जाओ और बैक अगर इसको लाइट नहीं करना है नो ना ये ले इतना एक मिनट के स्टैमिना बहुत है, 2 मिनट में मेरे को सील दिया इसने, बहुत पंजे पंजे बहुत पहने हो रहे हैं इसके। अच्छा ये बाल का भी सीजन तो क्या है? नहीं ऐसा होता रहेगा, इसका शेडिंग होती रहेगी, टेंशन मत लो, नॉर्मल बात है। मैं तो इसको मंगाया हुआ भी एक है, गोली उनको दे, वो देता हूँ उसको। तो इसको दे देना है क्या आपको? तो हम दे रहे हैं इसको अभी, हम सब अब हमारा ही रहेगा। अच्छा। तो वो लिखा था फॉर्म वगैरह ले लिया है, इसका नाम ओरियो है जो कि 7 मंथ्स का है, अमेरिकन बुली, हेल्थ हाइट में बहुत तगड़ा है, आप देखोगे जब आपको समझ में आएगा। गाड़ी लॉक की थी
ओरियो सेट हो गया है, सब डॉग सो रहे हैं। हम वहां से लेके आए उसे, 17 दिन मैंने अपने हॉस्टल में रखा और काफी हद तक मैंने उसे बिहेवियर ट्रेनिंग दी। ये जो ऊपर चढ़ने वाली चीजें भी मैंने छुड़ा दी थी और फिर ओनर को काम खत्म हो गया और हॉस्टल से वो अपने घर लेके गए। घर ले जाने के बाद कम से कम 2 या 3 महीने बाद ओनर को फिर से कहीं काम पड़ा, तो उनको किसी ने दूसरे हॉस्टल का सजेशन दिया, उन्होंने वहां रखा। वहां रखते ही 2 से 3 दिन के अंदर उस डॉग ने वहां अपनी लाइफ की पहली फाइट की। जब वहां फाइट की तो फाइट इतनी भयानक थी कि उसने 1-2 डॉग वहां मार चुका था उस हॉस्टल पर, और जो ट्रेनर था वो भी बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। और मुझे कॉल आया ओनर का कि मैं अभी आउट ऑफ सिटी हूँ और ऐसा ऐसा पीछे वो कांड हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, वो ऐसा बच्चा तो नहीं है, ये है वो, इस टाइप से बात की। और मैं भी उस चीज में उस समय एग्री था, मैंने कहा हाँ यार मैंने 17 दिन रखा है, मुझे तो वो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं लगी। उसके वीडियोज भी मैं अभी इसमें डालने वाला हूँ। वो सभी डॉग्स के साथ रहता था, सबके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं रखे हुआ है या सब डॉग्स के साथ नहीं रहता था। 17 दिन जब हमारे पास रुका उसका वेल बिहेव था, सब कुछ सही था, अच्छा था। आपको पहचान लिया जब वहाँ हमला हो गया तो उन्होंने रखने से मना कर दिया उन हॉस्टल वालों ने, तो इनका हमारे कॉल आया, रिक्वेस्ट आई, तो हम लोग गए। जब मैं लेके आया तो उसको बहुत बुरी हालत में लेके आया, वो भी मैं वीडियो अभी ऐड कर दूंगा। अब हम ओरियो को लेने जा रहे हैं दूसरे हॉस्टल में, कुछ चीज़ों की वजह से ये थोड़ा छुपा दूंगा। इसके ओनर से पहले बात करनी पड़ेगी, उसको पता भी नहीं, वो मेरे अंदर ध्यान आ जाएगा। इसकी ऐसी हालत कैसे वहाँ ये 4-5 डॉग से लड़के 1-2 रुपये तो मार ही चुका था, और लाते ही हमने इसे नलाया और सारे घाव चेक किए, सारी मार चेक की। इस पूरे प्रक्रिया के बाद 15 डेज बाद जब ये कवर हुआ ना, तब मेरे यहाँ पहली बार हॉस्टल पर हमला किया इसने। अरे मैं थारो ले रहे हो कि ना ले रहे हो, मतलब वही समझ में नहीं आया। बहुत दर्द हो रहा है, क्या कुछ हो, और खून आले भी निकल रहे हो, देख थोड़ा ध्यान हो चला रहे, हाथ थोड़ा धीरे धीरे चला लाई रहे, दुख तो होला इन पाँव वाँव ने हैंग नीचे कर दन ने वर्दन ने नीचे लो पोर्शन पूरो वाइट कर दे, कालो लाया वाइट कर देना पूरा, थोड़ा सा हाथ रहे बस, थोड़ा देर रहे भेजा बेटा, अब तो तू तैयार है, तैन समझ ले थरबुर हो वक्त आ गया तो नहीं मैं तो सीधी बात कहूं, बल्कि कोई होगा मैंने कोई मतलब नहीं है, इंटेक केयर नहीं हुई बस, अटैक केयर छोड़ो तो जिंदगी भूल गो दिखे को नहीं। 2 दिन तैयार हो जी, वैसे तो लागे तो है देखने, और यार वो तो सोयो भी कोनी है, हां क्या झपल झपल कर रही है किकन यार, एक्चुअली आज को नहीं हुई फाइट बल्ली, मैं तो हां आज नहीं हुई फाइट, आज नहीं हुई इन तो, हां क्या जेरी मार रही है, और देख ताकत भी नहीं बची है, नहीं दूज रही हो लाई, मैं वीडियो बढ़िया हो रही है, घर छोड़ना है जिन टाइम पे है। लेके आने के बाद 15 से 20 दिन मैंने जब उसे अपने पास रखा तो वो पूरा रिपेयर, मतलब अपने बॉडी को रिकवर किया। रिकवर करने के बाद पहली बार उसने मेरे हॉस्टल में भी हमला किया। जब मेरे यहाँ हमला किया तो मैंने बड़ी मुश्किल से दोस्तों उस डॉग को छुड़ाया। हाँ दूसरे हॉस्टल में तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन मेरे यहाँ पर सिर्फ डैमेज हो गया, डॉग को यहाँ से यहाँ तक डैमेज हो गया था, चीर दिया था उसको, और बड़ी मुश्किल से हमने छुड़ाया था। उस समय मुझे पहली बार पता चला, मैंने ओनर को बताया तो ओनर घबरा गए और ओनर ने कहा इसको तब तक रखो जब तक पूरा आपकी तरफ से सही नहीं हो जाए। और उस समय मैंने ओनर को कहा था ये तो अच्छी बात है कि अभी सिर्फ एनिमल्स पर आता है, इंसानों पर नहीं, आपको इसको ले जाने के बाद भी सोशलाइज में कोई कमी नहीं रखनी है, सोशलाइज पूरा करना है। फिर 2-5-7 दिन हुए फिर उसने एक हमला किया, फिर थोड़े 10-15 दिन हुआ फिर उसने एक हमला किया, ऐसे करके उसने मेरे हॉस्टल में कम से कम 3 से 4 डॉग पंचर कर दिए। पंचर इन द सेंस वो हमेशा यहीं से पकड़ता था उनको भी और पकड़ के बैठ जाता था, हमने बहुत मुश्किल से छुड़ाना स्टार्ट किया। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि जब पहली बार छुड़ाया तो मुझे बहुत मुसीबत आई, सेकंड टाइम में वो 50% खत्म हो चुकी थी, थर्ड टाइम में वो 40% खत्म हो गई, लेकिन ऐसे करते करते 0 पर लाता तब तक तो मेरे बहुत से डॉग्स
पंचर हो जाते हैं और दूसरे ओनर्स को मैं क्या जवाब देता, इसलिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि इसे इंसानों से तो मिलाएंगे लेकिन डॉग से अब नहीं मिलाएंगे, क्योंकि कभी कभार इसको सनक जाती, किसी भी चीज को लेकर सनक जाती थी, कभी खाने पर, छोटी सी बात पर सनक जाती, या कभी किसी गर्लफ्रेंड को लेकर सनक जाती, या कोई अन्य के पीछे रह गया तो इसको गुस्सा आ जाता, या किसी को मैं मारने गया या डांटने गया तो ये अपना हवा दिखा देता, ऐसा होने लग गया था। तो हमने उसे अलग कर दिया, फिर काफी टाइम तक हमने उसे अलग ही रखा, तो उससे डॉग सब सेफ हो गए, छोटे बड़े जो भी मेरे हॉस्टल में आते थे। उसके बाद इसे हमने ओनर को वापस दे दिया, हमने इसे कहा कि अब इसे डॉग से दूर रखा जाए और बाकी इंसानों से फुल फ्रेंडली रहे, आप इसे मिलाए, इसे बंद ना करें, और दूसरा ये जब ऊपर चढ़े तो उसे नो बोल के रिएक्ट करें, ऊपर ना चढ़ने दें। ओनर सब समझ गए, उसके बाद उन्होंने फिर से रखना स्टार्ट किया, काफी टाइम तक रखा, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, हमसे बातचीत करनी स्टार्ट की, उन्होंने इस डॉग को फिर से वो ऊपर चढ़ने वाली आदत लग गई होगी और उसे मिलाना बंद कर दिया, लोगों से मिलाना बंद कर दिया, जब भी उनके घर विजिटर आते ये कोई पीछे वाले रूम में इसे बंद कर देते या कहीं दूर साइड में ले जाते। सडनली ऐसा करते करते कुछ महीने अच्छा चला, उसके बाद एक दिन क्या हुआ, हल्का सा गेट खुल गया और ये फटाक करके बाहर आ गया और वहां बच्चे खेल रहे थे, वहां बच्चे को उसने पकड़ लिया, तब ओनर को पता चला था ये तो एनिमल पर हमला हो गया और उन्होंने मुझे फोन किया, तब मैं आया। इसे कोशिश तो की थी नगर निगम को देने की और उसको शांत करने की वगैरह, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया क्योंकि वो तब तक एक डेढ़ साल से भी ऊपर का हो चुका था, काफी हद तक पावर और बॉडी बन चुकी थी, पर मुझसे वो पहले जैसा मिलता था, फ्रेंडली था, ये सब कुछ था, और हर बार हर डॉग बाइट करने के बाद ऐसी सिचुएशन में जाएगा कि वो माफी मांगेगा अपने से, सॉरी बोलेगा, मुंह नीचे करके बैठ जाएगा, लटका के बैठ जाएगा, उदास हो जाएगा, ये सब ठीक है, लेकिन वो एक हद तक ठीक है, लेकिन जो डॉग इंसानों को मार ही दे तो उसको क्या मतलब, फिर ऐसा करने से क्या होगा, वो जान तो वापस नहीं ला सकते ना अपन, इसलिए वो फिर उस दिन जब मुझे काटा और मैंने उसे, ये आकाश ने उसे मारा, तो आकाश ने जो मारा है प्लास्टिक के पाइप यूज़ किया गया था और ओरियो इतना था कि ओरियो और आकाश दोनों साथ में सोते थे। ये एक वीडियो क्लिप है जब ओरियो सो रहा था मॉर्निंग में, मैं आया ऊपर और ओरियो ओरियो चिल्लाया तो फट करके खड़ा हुआ था, ये उस समय का वीडियो है, ये दोनों साथ ही रहते थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इसको बचने की आइडिया नहीं था, ये मर जाता, और जो मारा और वो जो ब्लड आया, ये जो ब्लड दिख रहा है वो सारा ब्लड मेरा है, उसके पाइप से ठोकने पर ब्लड नहीं आया था, ये पूरा मेरा ही ब्लड है, मैं पकड़ के खड़ा था ना उस समय का, ये है, ये उस दिन का वीडियो है जब इसने मेरे पर अटैक किया, और ये नॉर्मल स्पीड में है, देखो आप कितनी स्पीड से सब कुछ हुआ, क्या इतनी स्पीड में ये सब कुछ करना पॉसिबल है हर किसी के लिए, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ, अगर हर किसी पर ये हमला होता या ये ट्रेनर पर भी होता तो बचना मुश्किल था दोस्तों, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी, आप देख रहे हैं कितने ही वो मिनटों के अंदर ये सब काम हो रहा है, एक से दो मिनट के अंदर पूरा हो गया था, यहाँ मेरा हाथ पकड़ चुका है, मैं अपना हाथ छुड़ाने की ट्राई कर रहा हूँ, जैसे ही आकाश आया मैंने अपना हाथ छुड़ाया, फिर आकाश ने उसे मार के इसके वापस बुलाया, और तब से मेरा खून बहता ही जा रहा है, ये इसके पूरे सर के ऊपर ही बह रहा है, क्योंकि खून तो आ चुका है ना, वो पूरा यहाँ भी बह रहा है, नीचे वो जो फर्श है, जो ज़मीन है वहाँ भी है, इतने में ये से हाथ लगा के बांधने वाला था, मैंने कहा नहीं पहले तू इसको चैन कर, इतने में चैन करने से पहले वो गेट खुल गया और दूसरा डॉग बाहर आ गया, अगर इसे देख लेता ओरियो तो शायद हो सकता है इसे मारने के लिए और ज़्यादा तड़पने लग जाता, फिर इसे बंद किया, फिर पीछे से एक और स्टाफ आया अंदर, फिर हमने इसे उस सामने वाले पेड़ पर बांधा, मैंने तभी भी इसे छोड़ा नहीं क्योंकि मुझे अब इस पर विश्वास नहीं रहा, मान लो अगर मैं छोड़ दूं तो आकाश को मार दे या किसी और पकड़ ले या दूसरी बार मुझ पर ही हमला किया तो अब मेरे हाथ में वो पावर नहीं रहेगा जिससे मैं इसे पकड़ सकूँ वगैरह, फिर इसकी चैन लेके आए गए और चैन से इसे बांधा गया, बांधने के बाद उसी पेड़ के पास रहा, जब वो वीडियो देखा आपने जिसमें ब्लड आया हुआ है वो उसी पेड़ के पास बांधने के बाद का, ये देखो धीरे धीरे जाके उसको वैसा का वैसा ही लेके गया, छोड़ा नहीं आकाश के लिए, और यहाँ पेड़ के पास सेफ्टली से बांध दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉग कोई सा भी लो, अगर सोशलाइज नहीं कर सकते, उसके पावर को मैच नहीं कर सकते, तो सोच समझ के ही लें प्लीज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से ये समझाना चाह रहा हूँ, डॉग कोई सा भी ब्रीड हो, उसे सोशलाइज करने के बाद भी ऐसा हो सकता है, हमें जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो ये है, जब भी डॉग आपका कभी भी पहला अटैक करे तभी उसे अच्छी तरह से समझाएं, अगर पहली बार आप सही तरह से नहीं समझाते हैं और अगर मार मार के उसे डेटा कर देते हैं या उसे कुछ नहीं कहते हैं या उसे किसी और चीज़ से पोटा कर उस चीज़ को इग्नोर करवा देते हो, तो होगा ये कि अगली बार या उसकी अगली बार या उसकी अगली बार कभी ना कभी ये वो वापस उस चीज़ को दोहराएगा। सही समझाना, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही समझाया जाता है, पहली बार अगर ऐसा होना हो और उस समय आप ओनर्स उसे सही तरह से समझा दे कि इसने जो ये किया है बहुत गलत किया है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना बुरा नहीं करेगा, छोटा ही करेगा, लेकिन उस छोटे को आप छोटा मतलब उसे बड़ा चीज ही माने, उसने जो किया है वो कभी भी हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है, इसलिए आपको उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा समझाना होता है। ब्रीड आप कोई सी भी लो, सारे ब्रीड्स अच्छी रहती है, किसी भी ब्रीड में ऐसा नहीं है, पर कुछ ब्रीड्स ऐसी है जो कंट्रोलेबल नहीं है हर किसी के लिए, उस बात पर ये सारी डिस्कशन चल रही है। ये एक अमेरिकन बुली है,
पिटबुल की प्रजातियों में से है। पिटबुल की जितने भी डॉग्स हैं उनके जो हेड होते हैं बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, और एक बार पकड़ने के बाद वो छोड़ते नहीं। आपने कितने पिटबुल वाले वीडियो देखे ही तो है ना यार, जो गाय को पकड़ लेते हैं, ऊंट को पकड़ लेते हैं, घोड़े को पकड़ लेते हैं या सुअर को पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद होता क्या, जान ही तो जाती है। अभी बहुत से है ना कमेंट्स में ये भी आया कि उनके भी डॉग है, उन्होंने ऐसा कर लिया, किसी के जर्मन को पकड़ लिया, ये वो क्या किया जाए। उस समय आपको उसके नाक के ऊपर ही ठोकना है सर, अगर आप उसके नोजल पर गिरा मारोगे तो ही हो सकता है वो उसे छोड़े, वरना वो नहीं छोड़ेगा। दूसरी जगह मारने से कोई फायदा नहीं होगा, उससे वो उसे पकड़ के ही रखेगा, पकड़ के मार देगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन रहा है दोस्तों, इसलिए इसको यही खत्म करेंगे। और जिनको भी कुछ और पूछना है करना है तो वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप कमेंट्स में मुझे पूछे, मैं उस चीज को अपने हिसाब से बताऊंगा। जरूरी नहीं है मैं कह रहा हूँ जो सारी बातें सच हो, क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, और डॉग एक मशीन नहीं है, वो कभी भी अपाक हो सकता है। जैसे इंसान अपाक हो देते हैं तो जानवर भी अपाक हो सकते हैं। मैं उस डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करता था, आज भी मोर फेवरेट डॉग्स में से है, क्योंकि उसकी इतनी पावर थी कि वो पिकअप तक खींच लेता था। उसके वीडियो भी आपको फेसबुक पर मिल जाएंगे, और शायद हो सकता है यूट्यूब पर कोई शॉर्ट वगैरह हो तो वो भी मिल सकते हैं। उसने पिकअप भी खींची थी और बहुत ज्यादा चाहता था मैं, और वो भी मुझे बहुत चाहता था दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो मुझ पर हमला कर सकता है, ये वो, ये मैंने सोचा भी नहीं था और ना मुझे यकीन था कि ऐसा हो सकता है। ये जरूर पता था किसी और पर कर सकता है लेकिन मुझ पर नहीं। मैंने उसे गार्ड ट्रेनिंग भी दी थी, यहाँ जो हमने एक नोजल मंगाई थी उसके मुंह की, वो नोजल भी छोटी पड़ गई, इस वजह से उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हो सकी। और बीच में ऐसा होने के बाद तो अब मेरे जब दोनों हाथ डैमेज हो गए तो उसे भेजना जरूरी हो गया, क्योंकि वो दूसरों के बस का नहीं था, उसे खाना पीना वगैरह सब मैं ही देता था। और जब से उसने मेरे फर्स्ट टाइम हॉस्टल में जब ये फाइटें स्टार्ट की थी तब डॉग से दूर कर दिया गया था, फिर ओनर के पास भेजने के बाद जब वो बच्ची को वहां पकड़ लिया था, उसके बाद इंसानों से भी मिलाना छोड़ दिया, क्योंकि रिस्क नहीं लिया जा सकता था। वो तो डॉग था, इसलिए 3-4 बार हमने ट्रायल ले लिया, ये इंसानों पर तो 3-4 बार ट्रायल नहीं करवा सकते ना, इसलिए फिर उसे ट्रेन नहीं कर सकते। और छोटी उम्र में कोई भी डॉग इतना खतरनाक नहीं होता, कोई सी भी ब्रीड हो, छोटे उम्र में आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, उसे सब कुछ सिखा सकते हो। ये याद रखें, पहली गलती लास्ट गलती बनाना है, वो ओनर का काम, ट्रेनर का काम, या वो जो उसे पाल रहा है उसका काम होता है, वो चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ब्रीड कोई भी रखो, गलती मीन्स गलती, गलती पर कोई एक्सक्यूज नहीं होता, ऐसा वैसा कुछ नहीं, गलती किया है, और वैसी गलती तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें इन बेकार ब्रीड्स पर, बेकार इन द सेंस जिनमें मतलब बहुत चाव रहता है मार के खत्म करने जैसी चीजों में। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखें और बने रहें, आगे न्यू चीजें पर डे के वीडियोस आते रहेंगे।